वो जल्दी से जल्दी मात्र 35 सेकंड में अपना इलाज करवा सकता है। वो उस बीमारी को अगर लंबा लेके खींचता रहेगा, दवाइयों पानी पे चलता रहेगा, तो बीमारी बड़ा रूप धारण कर लेती है। फिर उसका हम आयुर्वेद की सार सूत्र विधि से इलाज करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, भारत का सबसे सस्ता हॉस्पिटल जो बवासीर का सबसे सस्ता इलाज करता है, रोहतक आर्य पाइल्स क्लिनिक में इस वक्त हमारी टीम पहुंची है। डॉक्टर साहब से हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब, ग्राउंड मीडियम में आपका स्वागत है। राम राम जी। नमस्कार अजय जी, आपका स्वागत। कैसे हैं सर? ठीक है। हाँ जी बिल्कुल। सबसे पहले तो यही बता दीजिएगा दर्शकों को, भाई अपने यहाँ पर किन किन बीमारियों का इलाज होता है? जी हमारे यहाँ बवासीर है, फीसर है, भगंदर है, पाइनोनिडल साइनस है, फिस्टुला जिसको हम भगंदरी बोलते हैं, पाइनोनिडल साइनस भी एक भगंदर का ही रूप होता है, पोलिप होता है जो बच्चों की होती है बीमारी, बच्चों को पाइल्स भी होती है छोटे बच्चों को, और गुदा मार्ग से संबंधित कोई भी बीमारी है, कैसी भी बीमारी, हर बीमारी का इलाज होता है। जी हर बीमारी का इलाज होता था। एक वीडियो सोशल मीडिया पर हमने आपकी काफी देखी है, लाखों की संख्या में वायरल होने लग रही है, कि आप मात्र 35 सेकंड में इलाज कर देती हैं। जी वो मात्र 35 सेकंड वाला इलाज है, वो फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड की पाइल्स है जिसमें पेशेंट शर्माता नहीं, उसको गुदा मार्ग से संबंधित कोई भी हल्का फुल्का भी कुछ लगे तो वो डायरेक्ट अपने डॉक्टर के पास जाके वो जल्दी से जल्दी मात्र 35 सेकंड में अपना इलाज करवा सकता है। वो उस बीमारी को अगर लंबा लेके खींचता रहेगा, दवाइयों पानी पे चलता रहेगा, तो बीमारी बड़ा रूप धारण कर लेती है। फिर उसका हम आयुर्वेद की सार सूत्र विधि से इलाज करते हैं। पेशेंट से हम हमारे पास जो है अलग अलग तरीके से इलाज होता है। हम स्क्लेरोथेरेपी भी करते हैं, 35 सेकंड वाला भी इलाज है हमारे पास, आयुर्वेद के सार सूत्र से भी इलाज करते हैं। जो पेशेंट लेजर से सर्जरी करवाना चाहे तो हम लेजर से भी सर्जरी करवाते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक तो होता है इलाज, एक लोग चाहते हैं कि पक्का इलाज। जी पक्का इलाज होगा? जी बिल्कुल पक्का इलाज करते हैं हम, लेटर हेड पे उसके लिख के भी देंगे जिस बीमारी का हम आपका इलाज कर रहे हैं। अगर भविष्य में वो बीमारी दोबारा होती तो हमारी तरफ से फ्री इलाज रहेगा। फ्री इलाज, कोई पैसा नहीं है? जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब आप, बहुत बड़ी बात, लिखित में देने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल स्टैंप लगा के देंगे। जी देख लो भाई, बहुत बड़ी ये बात कही जा रही है डॉक्टर साहब के द्वारा कि चाहे लिखित में ले लो। शायद देश का पहला ऐसा हॉस्पिटल है जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर ये वायरल होने लग रही है कि चाहे लिखित में ले लो, यदि बवासीर ठीक न हो तो उसका फ्री में इलाज करेंगे। जी बिल्कुल सत्य है डॉक्टर साहब। एड्रेस क्या रहेगा, जो मरीज हैं जो वीडियो को देखने लग रहे, देश के कोने कोने से मरीज यहाँ पर आएंगे, उनका प्रॉपर एड्रेस बता दीजिएगा यहाँ पर। ये हमारा हरियाणा में है। हाँ। हरियाणा के रोहतक में जींद बाईपास है। जींद बाईपास के बिल्कुल साथ में ही अनंतपुरम सोसाइटी है, गेट नंबर 2 के साथ में आर्य पाइल्स क्लिनिक के नाम से हॉस्पिटल है, फर्स्ट फ्लोर पे। चाहे कितनी पुरानी बवासीर हो, कितनी भी पुरानी बवासीर हो जी। जी खूनी वबादी, ये कैसे होता है खूनी वबादी? देखो बवासीर जो है एक खूनी बवासीर होती है, एक बादी बवासीर होती है, और इनकी स्टेज होती है जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ग्रेड। एक बवासीर थ्रोम्बोज पाइल्स भी होती है जो एकदम अचानक हो जाती है, जैसे आप रात को ठीक सोए हो, सुबह एकदम अचानक पेन होएगा आपको, वो थ्रोम्बोज पाइल्स बोलते हैं उसको। जी जी अच्छा, अंतिम सवाल ये है कि हमने ये भी सुना है कि जो बवासीर है वो कैंसर का भी रूप ले लेती है। जी बिल्कुल सत्य है, कोई पेशेंट अपनी बीमारी को छुपाता रहता है, काफ़ी लंबे समय तक वो दवाइयों के चक्रों में पड़ा रहता है। देखो दवाइयों से चीज़ें ठीक नहीं होती, जब तक वो बीमारी वहाँ से हटती नहीं तो दवाइयाँ कैसे ठीक कर देंगी। ये दवाई बेचने वाले चाहे कितना भी बड़ा दावा करते हो, सब झूठ है। जब तक पेशेंट की वो बीमारी वहाँ से नहीं हटेगी, यानी कि जड़ से खत्म नहीं होगी। हाँ बिल्कुल, पेशेंट की बीमारी जब उस जगह पे जो बन गई है वहाँ से हटेगी नहीं, तो दवाई ऐसी कौन से भारतवर्ष में पैदा होगी कि भाई वो दवाई उस बीमारी को हटा देती है। बीमारी को हटाना होता है, उसके बाद ही दवाइयाँ खाओ जब असर रहता है। जी और ये कैंसर का रूप भी धारण कर लेती है। जो पेशेंट ये पहले पाइल्स होगी, पाइल से अल्सर बनता है, अल्सर से कैंसर बनता है, भगंदर में भी कैंसर बनने के चांस रहते हैं जो इधर उधर घूमते रहते हैं दवाइयों के चक्रों में, ये बिल्कुल कैंसर का रूप धारण कर लेता है। जी चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख लिए भाई, और एक बहुत बड़ी बात है ये,
जो बवासीर को हल्के में ले लेते हैं और दवाइयों से सोचते हैं कि दवाइयों से उसका इलाज हो जाएगा। साथियों, दवाइयों से कुछ टाइम के लिए, कहते हैं ना, कुछ टाइम के लिए रुकावट हो सकती है। हरियाणा में भाषा में कहते हैं कुछ कुछ टाइम के लिए दबा पड़ सकता है, लेकिन परमानेंट इलाज जो डॉक्टर साहब बताने लग रहे हैं कि सारसूत्र विधि से आप बवासीर का परमानेंट इलाज कराए, वरना बवासीर कैंसर का भी रूप ले सकती है। तो भाई, फिलहाल देश का जो सबसे सस्ता इलाज करने वाला जो हॉस्पिटल है, यहाँ पर हमारी टीम पहुँची थी। आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। पट्टी के ऊपर हम नंबर और जो एड्रेस है वो देने लग रहे। किसी भी साथी को, भाई बहन को यदि ज़रूरत है तो आप एक बार विजिट जरूर करें, फ़ोन करें, संपर्क करके आप एक बार यहाँ पर किसी भी साथी को यदि समस्या है तो ज़रूर आए। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा शोगिंदर के साथ मैं जबार द्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।